हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर रेलवे ड्रीमर्स में। फ्रेंड्स, आज एक बहुत अच्छा न्यूज़ आया है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले फ्रेंड्स मुझे पता चला है कि वर्कशॉप लोग जो है ज्वाइनिंग भेजना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने जो उनका मेल आया है वो अपना थंबनेल में उसका फ़ोटो भी लगाया है और अभी दिखाऊंगा ये फ्रेंड्स। और कुछ अपडेट्स है फ्रेंड, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मतलब जो ट्रैक मेंटेनर 4 वाले हैं और किनका फाइल पहुंचा है फ्रेंड्स, तो इन सब के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ऐसा हुआ है कि थोड़ा देर पहले फ्रेंड्स असिस्टेंट वर्कशॉप लीलुआ से मैसेज आना शुरू हुआ है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि वर्कशॉप वाला जो है वो लोग अपना भेजना शुरू कर देंगे, वो लोग OBC के लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन अभी पता चला है फ्रेंड्स कि शायद आया है नहीं है, इतना नहीं पता चला लेकिन OBC का। लेकिन जनरल का कुछ जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को वर्कशॉप वाला भेजने शुरू कर दिया, और जो लीलुआ है पहले उन्होंने भेजा है। तो इसमें चलिए एक बार उनका जो मैसेज वो स्नैपशॉट भेजे हैं वो देख लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा अपॉइंटमेंट अगेंस्ट प्रोविजनल पैनल ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट वर्कशॉप इम पैनल थ्रू। ये देखिए लीलुआ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल लीलुआ। तो ये मैसेज उनको आया है वर्कशॉप लीलुआ से और ऑन 14/7/2023 एट 11 PM। तो इनको रिपोर्ट करने बोला गया है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए हावड़ा में भी ऐसे ही हुआ था CCA वालों के साथ, उन लोग को वहाँ सीधा ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा शायद इसीलिए उनको। देखिए आज है 12 तारीख और 14 तारीख को 11 AM तक उन लोग को रिपोर्ट करने बोला गया है इन कनेक्शन विद द अबव कैप्शन सब्जेक्ट अलोंग विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट 10 copy रिसेंट साइज फोटोग्राफी और उसके बाद 3 copy ऑफ फोटोग्राफी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड। तो यहाँ लिखा हुआ है सारा चीज़ तो नहीं भेजा गया और किन कितने लोगों को भेजा गया फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिए ये जो सागर जी है यहाँ के बाद से आप देखिए ये यहाँ पर इतने सारे लोगों को भेजा गया, बहुत सारे तो स्नैपशॉट वो भेज नहीं पाए लेकिन इतने सारे लोगों को जो है लीलुआ वर्कशॉप से मतलब एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजा गया है फ्रेंड्स। और इन सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोग का नया लाइफ नया नौकरी के लिए। और फ्रेंड्स, और भी न्यूज़ है फ्रेंड्स, ये हम लोग के बारे में बात कर लेंगे। तो जो लोग पूछ रहे थे कि वर्कशॉप का कब आएगा, तो वर्कशॉप शुरू हो गया फ्रेंड्स। कचरापाड़ा भी जल्दी भेजेगा और जमालपुर भी जल्दी भेजेगा फ्रेंड्स। और ये जो अपडेट है, कल ही मैंने कहा था फ्रेंड्स कि जितने भी लोगों का डिवीज़न अलॉटमेंट का जो नोटिस मतलब कल दिया गया है, 3-4 जो पोस्ट का दिया गया, उन सब का ज्वाइनिंग लेटर 10 दिन के अंदर यानी इस हफ्ते मान के चले 20 तारीख के अंदर ही आप लोग सबका आ जाना चाहिए, ऐसा ही पता चला है फ्रेंड्स। और आप ये न्यूज़ कंफर्म मान सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए इतने सारे लोगों का तो आ गया है और वर्कशॉप में कितना था नहीं था उतना मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग लीलुआ अपना भेज चुका है। और अब यहाँ पर आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स, क्या ये सिर्फ जनरल वाला आया है जो फर्स्ट रिवाइज पैनल लिस्ट में था, या आप लोग जो OBC, क्योंकि वो लोग बोले थे कि हम लोग OBC वाला फाइल का भी इंतज़ार कर रहे हैं तो एक साथ भेजेंगे, तो इतने कम तो नहीं होने चाहिए। तो आप लोग एक बार कमेंट्स करके जिनका भी आया है फ्रेंड्स, हम लोग तो देख पा रहे होंगे पांडे जी हैं यहाँ, तो जो पांडे होता है वो जनरल में ही होता है। तो अब कोई अगर है दूसरे भी जो OBC से प्योर OBC से बिलोंग करते हैं और OPC से ही उनको ये मेल आया है, तो वो लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, ताकि बाकियों को भी पता चले। और फ्रेंड दूसरा एक न्यूज़ है फ्रेंड्स, वो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में फ्रेंड्स। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जिसमें भी ट्रैक मेंटेनर आ जाता है, ये तो पता नहीं चला है फ्रेंड कि वो किस डिवीज़न में या गए थे, लेकिन इस वीक में कहा जा रहा है कि जो लोग मतलब UR वाले जिनका फाइल अपलोड जैसे पॉइंट्समैन हो गया इंजीनियरिंग हो गया, तो वह 17 में से 3-4 पोस्ट का ही दिया गया था फ्रेंड्स डिवीज़न अलॉटमेंट का लिस्ट। तो बोला गया है इस वीक में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, क्योंकि जो लड़के गए थे वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के थे,
तो उन्हें कहा गया है इस हफ्ते इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भी डिवीजन अपलोड हो जाएगा। वैसे आप लोग जानते हैं कि आसानसोल ट्रैक मेंटेनर 4 का भी भेजा है जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ही होते हैं। इसके अलावा बाकी जो मालदा है, फिर आपका सियालदा है या हावड़ा है, ये लोग कुछ ट्रैक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के नहीं भेजे थे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस वीक में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के भी जो डिवीज़न अलॉटमेंट है वो वेबसाइट पर अपलोड हो जाएगा। फिर देखते हैं फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ साथ एक डिपार्टमेंट का तो देगा नहीं, और कितने सारे जैसे पॉइंट्समैन वाले हो गए हैं, TRD हो गए हैं, तो ये लोग दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे, कैसे दे रहे हैं, क्योंकि बोलते तो हैं अपलोड कर देंगे, फिर 2-3 पोस्ट का ही करते हैं। फिर एक और पता चला है फ्रेंड्स कि ये लोग फाइल भेज दिया गया है, तो किन लोग का? OBC तक का फाइल फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, OBC तक का जो फाइल है वो ये लोग जो भी अपना अपना डिवीज़न है या वर्कशॉप है वहाँ भेज दिया है, तो चला गया है। तो जो भी ज्वाइनिंग हो रहा है, आप लोग को पता है कि UR से ही शुरू हुआ है, जो फर्स्ट पैनल, सेकंड पैनल, थर्ड पैनल, फिर उन लोग को 1 और 2 को मर्ज करके एक रिवाइज्ड पैनल किया गया था। तो इसमें जो है आपका OBC तक का फाइल भेज दिया गया है, लेकिन अभी क्योंकि शुरू से शुरू होता है तो UR से ही शुरू किया गया है, तो अभी तक ये पता नहीं चला है कि प्योर OBC वालों का भी आने लगा है कि नहीं आने लगा है। नेक्स्ट है फ्रेंड कि फाइल SC वालों का, देखिए आप लोगों को पता होगा 13 जून को जो रोज़गार मेला हुआ था फ्रेंड्स, रोज़गार मेले में मेनली OBC और जनरल UR वाले उन लोगों का दिया गया था फ्रेंड्स रोज़गार मेला में मैसेज, और उन्हीं लोग का काम अभी चल रहा है। SC उसके बाद आया था, ST, SC, EWS ये लोग, तो अभी वो पहले ख़त्म होगा फ्रेंड्स, उम्मीद है उसके बाद ही इनका शुरू होगा फ्रेंड्स। तो पहले जनरल ख़त्म होगा, फिर OBC ख़त्म होगा, और उसके बाद ही। अब अगर वो लोग कुछ अलग करते हैं और वो पता चलता है तो मैं आप लोग को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा फ्रेंड्स, लेकिन अब तक यही पता चला है कि पहले UR और OBC ख़त्म होगा, उसके बाद यानी SC, EWS, ST और PWD वाले लोग का आने में थोड़ा सा वक्त है। हो सकता है कि इस बार जो रोज़गार मेला होगा उसमें आप लोगों को मेल या मैसेज आ जाएगा, लेकिन अभी तक रोज़गार मेला का कुछ मैसेज तो कोई भेजे नहीं है फ्रेंड्स, और ना ही मुझे पता चला है। तो अगर पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, मैं पता करने का कोशिश कर रहा हूँ। और अगला एक बार बताना था कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का TL AC वाला, उन लोग का भी कुछ ही दिनों में आने लगेगा फ्रेंड्स, उनका भी चला गया है, और बहुत जल्द उन लोग का भी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। लेकिन UR इम्पैनल जो पहले रिवाइज लिस्ट में थे उनका आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इतना ही न्यूज़ था आज, आप लोग पूरा वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और पूरा वीडियो को देखिएगा तो आप लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं पता करने का कोशिश कर रहा हूँ, मालदा डिवीज़न में कुछ लोग, कुछ कैंडिडेट से बात हुआ था उधर का कि आप लोग जाके पूछिए, तो फिर कल फ्रेंड्स उन लोग का सिग्नल और इसका आ गया डिवीज़न अलॉटमेंट, तो वो लोग नहीं गए फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने दोबारा भी कॉल किया कि कुछ पता चला, तो उन्होंने बोला हम गए ही नहीं। तो इसीलिए मालदा वाला एक लौता ऐसा डिवीज़न है फ्रेंड्स, जो लोग ना अभी तक ज्वाइनिंग भेजे हैं और ना ही किसी का कोई अपॉइंटमेंट लेटर भेजे हैं, ना मेल के थ्रू ना कुछ, इकलौता ऐसा डिवीज़न है फ्रेंड्स, और वहाँ के कैंडिडेट्स भी उतने एक्टिव नज़र नहीं आ रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन उतने एक्टिव नज़र नहीं आ रहे जितने हावड़ा, सियालदा और आसनसोल वाले हैं। तो मैं फिर भी कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स बात करने का कि अगर कुछ पता चले मालदा डिवीज़न से, हालांकि बहुत सारे लोगों का जो कल डिवीज़न अलॉटमेंट का लिस्ट आया था उसमें बहुत सारे लोगों को मालदा डिवीज़न अलॉट कर दिया गया है, तो बहुत खुशी का बात है फ्रेंड्स कि उनको अपने, और सब बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे ये बताया कि हम लोग को नियरेस्ट डिवीज़न ही मिला है, मतलब बहुत कम ही ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कहा मेरा थोड़ा दूर है या ऐसा कुछ, नहीं तो लगभग सबको नियरेस्ट डिवीज़न ही दे रहा है, तो ये बहुत खुशी का बात है फ्रेंड्स। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, मैं डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दिया हूँ, और जैसे ही मेरे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है, जिस दिन मैं ज्वाइन करने जाऊँगा उसका भी सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूँगा। तो चैनल के साथ बने रहें फ्रेंड्स,
और आप लोग का जो सपोर्ट मिल रहा है मुझे, उसके लिए मैं आप लोग को बहुत थैंक्सफुल हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए और सबसे फास्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन भी आप तक जल्दी पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।